देश के नेताओं को अनपढ़ बुलाने वाली काजोल खुद कितना पढ़ी लिखी हैं, जब आपको ये पता चलेगा तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। दरअसल काजोल ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे नेता पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हमारे देश में तेजी से बदलाव नहीं आ पा रहा है, हमारे सोचने समझने का तरीका नहीं बदल पा रहा है। जैसे ही काजोल ने ये बयान दिया, लोगों ने उन्हें लेफ्ट राइट सेंटर सब तरफ से ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस बीच लोगों ने ये ढूंढना भी शुरू कर दिया कि खुद काजोल कितना पढ़ी लिखी हैं। इस दौरान काजोल का एक इंटरव्यू हाथ लगा और फिर सारा सच सामने आ गया। पता चला कि काजोल तो कभी कॉलेज ही नहीं गई। इतना ही नहीं, काजोल ने अपना स्कूल भी पूरा नहीं किया। 12वीं करने से पहले ही काजोल ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। काजोल और उनके पति अजय देवगन सिर्फ 10वीं पास हैं। 16 साल की उम्र में काजोल ने फिल्मों में कदम रख दिया था। काजोल के पिता सोमू मुखर्जी एक बड़े डायरेक्टर थे, जबकि उनकी मां तनुजा अपने दौर की सबसे कामयाब एक्ट्रेस में से एक रही हैं। इसलिए काजोल को फिल्मों में आने के लिए भी कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। काजोल के इस बयान के बाद लोग उनकी जमकर ट्रोलिंग कर रहे हैं, जिसके बाद काजोल ने अब माफी भी मांग ली है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है, मैं केवल शिक्षा और उसके महत्व के बारे में बात कर रही थी। मेरा इरादा किसी भी राजनेता को नीचा दिखाना नहीं था। हमारे पास कुछ महान नेता हैं जो देश को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। हालांकि काजोल के इन बयानों के पीछे की सच्चाई अभी कोई नहीं समझ रहा। दरअसल काजोल के इस बयान के पीछे की वजह है उनके हॉटस्टार पर रिलीज हुई फिल्म द ट्रायल, जिसमें उन्होंने एक वकील की भूमिका निभाई है। पिछले दिनों काजोल ने जब इस फिल्म का ऐलान किया, तब भी ऐसी चीप पब्लिसिटी का सहारा लिया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पहले सारी पोस्ट को हाइड कर दिया और फिर एक पोस्ट करके लिखा कि अपने जीवन के सबसे मुश्किल ट्रायल का सामना कर रही हूं। लोग इसे पढ़कर डर गए। उन्हें लगा कि काजोल की जिंदगी में कोई बुरा दौर आ गया है। पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गई। इसके कुछ घंटों बाद काजोल ने फिल्म का पोस्टर जारी किया और तब जाकर लोगों को पता चला कि काजोल ने ऐसा फिल्म का प्रमोशन करने के लिए किया। इसके बाद भी काजोल को लोगों ने जमकर ट्रोल किया। अब काजोल का ये बयान भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे भी बॉलीवुड में अब एक्टर नेगेटिव बयान देकर सनसनी फैलाते हैं, इससे लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं और इस वजह से उनकी फिल्म का प्रमोशन खुद ब खुद धुआंधार तरीके से हो जाता है और यही तरीका अब काजोल ने भी अपनाया है। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पर चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।